हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत ही खास है। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक सैम्बल है। ये लगभग लगभग सभी गाड़ियों में होता है, जितने सारे डम्फर्स हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो मैं फ़िलहाल कमात्सु का डम्फर चला रहा हूँ, तो ये कमात्सु का है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन आज मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ एक्चुअली वो किस काम पे आता है और कब काम पे आता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल रात के 11:50 हो रहा है मेरे स्क्रीन पे। फिलहाल मशीन अभी खड़ी है, वो भी ख़त्म हो गया है, तो इंचार्ज लोग आए हुए हैं। अभी कुछ प्लान बनेगा, फिर स्टार्ट होगा। तो चलो, मैंने सोचा तब तक को एक वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। इसके बारे में मैंने वीडियो पहले नहीं बनाया था, क्योंकि इसके बारे में मुझे प्रॉपर पता नहीं था, मैंने भी सुना ही था। लेकिन वस्तु इंजीनियर साहब आए हुए थे हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हीं से पता चला है, उसने भी लाइव प्रूफ करके भी दिखाया। तो चलो, मैंने भी सोचा चलो क्यों ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलो चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। और जो भी फ्रेंड्स हैं डम्फर चलाना सीखना चाहते होंगे, तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप मेरे स्क्रीनशॉट पर लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम जानेंगे इसके बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डो नॉट ऑपरेट फॉर मोर देन 90 सेकेंड। इसका मतलब होता है कि आप 90 सेकेंड से ज़्यादा इसे यूज ना करें। ठीक है, तो क्यों यूज ना करें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मोटर लगा हुआ है इस स्टेयरिंग को मूव करने के लिए। 90 सेकेंड से ज़्यादा देर तक अगर हम उसे यूज में लाएंगे तो मोटर ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने के कारण इसके जो पंप से वो फटने या जलने का डर रहता है। इसके लिए इसे 90 सेकंड से ज़्यादा यूज में नहीं लाएंगे। इसे कब यूज में लाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि इन केस कभी ऐसा हुआ गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है, वो कहीं भी हो सकता है। एक मिनट, मशीन हमारे मूव हो रही है, आगे में जा रही है, हो सकता है काम स्टार्ट हो। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम अपने जगह में आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, इनकेस कभी ऐसा हो जाए गाड़ी ख़राब हो जाए, कहीं भी हो सकता है, फेस में हो, डम में हो या रास्ते में हो, तो वैसे स्थिति में क्या है, वर्कशॉप से जो काम करने के लिए आएंगे मेंटेनेंस के लिए, उस जगह में काम नहीं कर पाएंगे वो, इसे लेबल जगह पर ले जाना होता है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, स्टेयरिंग हमारा उस वक्त काम नहीं करेगा, जब हमारा इंजन बंद रहेगा स्टेयरिंग काम नहीं करेगा, सभी को पता है। तो वैसे हालात में क्या करना है, हमें ये यूज में आएगा 90 सेकंड तक हम इसे यूज में ला सकते हैं, हाँ, लेकिन उस वक्त हमें करना क्या होगा, कोई दूसरी गाड़ी आएगी, इस गाड़ी को टो करके यानी कि खींच करके हमें एक लेबल जगह में ले जाना होता है, जहाँ पर कि आराम से जो वर्कर आएंगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्त, ये स्टेयरिंग हमारा अभी लॉक है। ठीक है, इसे जब हम प्रेस करेंगे ये ऑन हो गया है, देखिए स्टीयरिंग मूव करेगा। मैं इसे बंद कर देता हूं, देखा आपने, तो ये होता है और ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, आपने बहुत लोगों से सुना होगा इसके बारे में, तो उन सब बातों पे ना जाएं,
जो मैंने अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाया है यही सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो ओके दोस्तों, ये जितने सारे बटन्स आप देख पा रहे होंगे या स्क्रीन पे जितने सारे सिंबल देख पा रहे होंगे, इन सब के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू दोस्त।